हेलो एवरीवन, बच्चों आज हम लेकर आए हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर थर्ड। रे ऑप्टिक्स का जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड अपने पास क्वेश्चन है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक टैंक अपने पास है, तो चलो बच्चों ये टैंक हम ले लेते हैं। ये टैंक अपने पास दिया हुआ है, इसका फिल विद वाटर अप टू 12.5 सेंटीमीटर हाइट। यानी आपसे ये कहा जा रहा है कि इसमें पानी भरा हुआ है भाई, और ये जो पानी भरा हुआ है वो कितना हाइट तक भरा हुआ है। तो ये बच्चों अपने पास 12.5 सेंटीमीटर तक हाइट पर अपने पास यह पानी भरा हुआ है। द अपरेंट डेप्थ ऑफ ए नीडल, क्योंकि जब हम इसमें एक नीडल को रखेंगे तो बच्चों ड्यू टू रिफ्रैक्शन उसका जो बॉटम होगा वो इसका थोड़ा ऊपर उठा हुआ हमें दिखाई देगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि नीडल इसमें रखी हुई है, द बॉटम ऑफ टैंक इज 9.4 सेंटीमीटर दिखाई दे रहा है। तो ये नीडल अपने पास रखा हुआ है, और जो नीडल में मानता हूँ कि बच्चों ये नीडल रखा हुआ, नीडल रखेगा तो यहीं पर ये नीडल अपने पास है। इसको रखने पर ये जो बॉटम है बच्चों, ये जो बॉटम है वो कितना ऊपर उठा हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ से 9.4 सेंटीमीटर का हाइट पर दिखाई दे रहा है। यानी इसका ये तो क्या हो गया H1, और H1 इसका क्या है बच्चों, यहाँ एक्चुअल डेप्थ अपने पास है, पानी जो भरा हुआ है एक्चुअल हाइट आप कह सकते हैं इसको। और ये इसका अपने पास में S2 हो चुका है, यहाँ क्या हो चुका है अपरेंट अपने पास डेप्थ हो चुका है। तो हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया है, यानी ये बॉटम थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा ड्यू टू रिफ्रैक्शन नीडल को हमने रखा। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप माइक्रोस्कोप से इसको जब मेजर किया गया, तो आपको अब यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है फाइंड आउट करना है। तो वो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू क्या होता है, ये होता है बच्चों इसका एक्चुअल डेप्थ और डिवाइडेड बाय इसका जो अपरेंट अपने पास डेप्थ आएगा, उन दोनों का रेशियो रहता है। सो हम यहाँ म्यू फाइंड आउट करें तो एक्चुअल डेप्थ इसका कितना है बच्चों, 12.5, अपरेंट इसका 9.4 है। ये सेंटीमीटर कैंसिल आउट सेमी टू सेमी, और बिल्कुल कैंसिल होगा तभी म्यू अपने पास यूनिट लेस आएगा। इसको सोल्व करने पर बच्चों रिजल्ट आएगा 1.33, हम इजीली में सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ म्यू कितना रहेगा वाटर का, 1.33 रहेगा। यहाँ तक बात अपने को क्लियर है। सेकेंड पोर्शन ये कह रहा है कि हाउ मच अप या डाउन, कितना अप या कितना डाउन हो जाएगा, कब है, जब हमने मेजर किया रिफोकस। दोबारा से आप देख रहे हो नीडल, इफ वाटर इज रिप्लेस बाय फ्लूड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी हमने यहाँ क्या किया बच्चों, रिप्लेस कर दिया, यहाँ पानी की जगह हमने अदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यहाँ यूज किया है, और अदर जो भी हमने यहाँ फ्लूड लिया है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.63 हमें को गिवन है। यानी हमें अब ये कह रहा है बच्चों कि इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है, यह चेंज कर दिया है। क्या चेंज किया है, यहाँ हमने जो फ्लूड लिया है, जो लिक्विड लिया उसको हमने चेंज कर दिया, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.63 है। लेकिन आपसे कह रहा है कि ये जो भरा हुआ है वो सेम हाइट तक भरा हुआ है, यानी वो ये कह रहा है इन द टैंक अब तो सेम हाइट तक ये भरा हुआ है। सेम हाइट का मीन ये इसका जो एक्चुअल डेप्थ है वो बच्चों वो यही है H1। तो आपसे पूछा क्या गया, पहले तो आप H2 निकालें, H2 का मीन इसका हमें अपरेंट डेप्थ यहाँ फाइंड आउट करेंगे, फिर हमें पता चलेगा ये कितना अप या कितना डाउन हमें यहाँ लेना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा। तो H2 अपने पास क्या होगा, म्यू इक्वल्स टू कितना होगा एक्चुअल डेप्थ, फॉर्मूला क्या है बच्चों, एक्चुअल डेप्थ है डिवाइडेड बाय अपरेंट डेप्थ है, ठीक है। तो हमें यहाँ अपरेंट डेप्थ निकालना है, तो यहाँ लिख देते हैं चलो ये एक्चुअल डेप्थ अपने पास है और ये डिवाइडेड बाय अपरेंट डेप्थ अपने पास है, ठीक है। और अपरेंट डेप्थ यदि आपको फाइंड आउट करना है, तो अपरेंट डेप्थ H2 हमने मान रखा है, तो H2 क्या आ जाएगा बच्चों, देखो H1 अपॉन म्यू आ सकता है अपने पास में। H1 कितना है, 12.5 सेंटीमीटर है, और म्यू कितना है बच्चों, 1.63 सेंटीमीटर है। इसको बच्चों हमने सोल्व कर रखा है, ये अप्रोक्सीमेट आएगा 9.4 सेंटीमीटर अपने पास, बच्चों हमने सोल्व किया था इसको तो 7.7 सेंटीमीटर, सॉरी ये अपने पास आएगा 7.7 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। सोल्व आउट अप कर सकते हैं। अब कितना हमें इसको अप लेकर जाना पड़ेगा, डाउन लेकर जाना पड़ेगा, पहले तो आप ही देखिए कि बच्चों ये तो 9.4 सेंटीमीटर है, और ये ओनली कितना सेंटीमीटर पर दिखाई दे रहा है बॉटम में आपके पास, 7.7 सेंटीमीटर। तो यदि मुझे
इस वाले पोर्शन में नीडल को ऊपर लेकर जाना पड़ेगा, नीचे लेकर जाना पड़ेगा, डिसाइड करेगा कि पहले अपरेंट डेप्थ उसका कितना था। अपरेंट डेप्थ कितना था पूछो, 9.4 था, और अब तो कम हो चुका है, यानी ये और ज़्यादा डाउन में जा चुका है। यदि मुझे इसके लेवल को इसके लेवल के इक्वल करना है तो मुझे नीडल को ऊपर लेकर जाना पड़ेगा। कितना लेकर जाना पड़ेगा, जितना इन दोनों का क्या है, डिफरेंस है। यानी हम यदि यहाँ डिफरेंस फाइंड आउट कर दे तो डिफरेंस कितना आएगा बच्चों, 9.4 माइनस 7.7, तो अप्रोक्सीमेटली 14 में से 7 गया तो 7 आ गया, 8 में से 7 गया तो 1.7 सेंटीमीटर। आपको ये कहाँ लेकर जाना पड़ेगा बच्चों, अपवर्ड लेकर जाना पड़ेगा, तभी अपने पास में ये वाला जो लेवल है वो इस लेवल के क्या आएगा, इक्वल आएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।